गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजीता मैम क्लास 3 में हिंदी में पार्ट 1 में फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगी। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आप लोग कॉपी निकालिए, पाठ लिख कर कल जो प्रश्न उत्तर लिखा है उसके नीचे लिखिए। कविता से पंक्ति को पूरा करना है। तितली का मन है याद कर लिए हैं। वह देखे वह देखे रंग रंग बिरंगे रंग बिरंगे फूल फूल खिले। कोयल चाह रही बसंत की शोभा चारों ओर मिले। नदी चाहती बहे हमेशा ऊपर नीचे उठे लहर ऊपर नीचे उठे लहर। माँ का मन करता खुशियों में डूबा रहे हमारा घर। इसको आप लोग पूरा कर लिए। सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है, सही गलत का निशान लगाना है। मोर चाहता है काले बादल घिराए। क्या मोर चाहता है? सही है, मोर चाहता है काले बादल घिराए। तितली चाहती है बसंत ऋतु आ जाए। गलत है, तितली नहीं ना चाहती है बसंत ऋतु। गलत। माँ चाहती है दिन आए और यहाँ चिड़ियों का शोर हो। माँ नहीं ना चाहती है दिन आए, माँ तो खुशियाँ चाहती है। मेंढक की इच्छा है बादल आए और जल बरसे। सही है, मेंढक की क्या इच्छा है? बादल आए और जल बरसे। खेत चाहते हैं चारों ओर हरी फसल उगाए। ये भी सही है, खेत चाहता है जो चारों तरफ हरी फसल उगाए। अब आइए, कविता में से छांट कर समान तुक वाले शब्द लिखिए। ठीक है, खिले का मिले, लहर का क्या होगा, लहर का शहर नहर कुछ भी हो सकता है। समान तुक वाले सभी का अभी। ठीक है, जल का
बल, खिले का मिले, लहर का सहर, सभी का अभी, जल का बल। हो गया, खिले मिले, लहर सहर, सभी अभी, जल बल। आगे आइए, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द चुन कर लिखिए। घर का क्या होगा? गृह। और सदन। माँ का होगा माता। दूसरा जननी। बादल का होगा घन। जलज। क्या होगा? घर का गृह, सदन, माँ का माता, जननी, बादल का घन, जलज। अब है विलोम शब्द लिखिए। जल का थल, ऊपर का क्या होगा? नीचे। नीचे, ऊपर का नीचे, दिन का रात। उल्टा शब्द लिखना है, दिन का रात, धरती का गगन। गगन मीन्स क्या होगा? आकाश, धरती, गगन। काला का उजला, काला का उजला या सफेद, कुछ भी। बच्चा का बूढ़ा, बच्चा का क्या होगा? बूढ़ा। जल, थल, दिन, रात, धरती, गगन, ऊपर, नीचे, काला, उजला, बच्चा, बूढ़ा। इस सबको पढ़कर लिख लीजिए अच्छा से, उसके बाद पढ़कर याद कीजिए।